हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों मैं हूं अनविया और आप देख रहे हैं स्टडी फिट। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के ग्राउंड के मेजरमेंट्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फुटबॉल के ग्राउंड मेजरमेंट्स के में बारे में फुल डिटेल में बात कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं क्रिकेट के ग्राउंड के मेजरमेंट्स के बारे में। दोस्तों क्रिकेट के ग्राउंड मेजरमेंट्स में मैं आज डिटेल से बात करूंगी। तो क्रिकेट खेल में 42 नियम होते हैं। इसका मैदान उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। मैदान का अर्ध व्यास यानी जो हमारा क्रिकेट का ग्राउंड होता है उसके पूरे मतलब विकेट से लेकर बाउंड्री तक का व्यास जो होता है 75 गज होता है, यानी मीटर में 68.58 मीटर। अब विकेटों से मध्य जो छोटा वाला बाउंड्री होता है वो 30 गज का होता है, यानी 27.4 मीटर का घेरा होता है। क्रिकेट का बॉल, क्रिकेट के बॉल का भार 5.5 से 5.75 औंस यानी 155.9 से 163 ग्राम। बॉल की परिधि होती है 9 इंच यानी 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ क्रिकेट के बॉल और हॉकी के बॉल दोनों का मेजरमेंट सेम होता है, बस एक थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे इसका बॉल का भार जो है 155.9 से 163 ग्राम है, तो हॉकी के बॉल का भार 156 से 163 ग्राम। ठीक दोस्तों, एक बात है कि जूनियर बालकों के लिए बॉल का भार जो है वो 4 औंस होता है यानी 113 ग्राम। जूनियर बालकों के लिए क्रिकेट बॉल का भार 113 ग्राम। क्रिकेट के बैट का मेजरमेंट, बैट की लंबाई 38 इंच यानी 96.5 सेंटीमीटर। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच यानी 10.8 सेंटीमीटर। बैट का वजन 1000 से 1121 ग्राम। विकेट, विकेट एक दूसरे के सामने 22 गज यानी 22.12 सेंटीमीटर अर्थात 66 फीट के अंतर पर गाड़े जाते हैं। विकेटों की चौड़ाई जो है 9 इंच यानी 22.85 सेंटीमीटर, जिसमें कुल 3 स्टंप होते हैं जिनकी ऊपर के सिरे पर 2 गिल्लियां होती हैं। जूनियर बालकों के लिए विकेट की चौड़ाई 8 इंच, जूनियर बालकों के लिए विकेट की चौड़ाई कितनी होती है 8 इंच यानी 20.32 सेंटीमीटर। स्टंप, स्टंप की लंबाई या ऊंचाई यानी क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्टंप की लंबाई कितनी होती है या क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो लंबाई पूछे या ऊंचाई पूछे मतलब वही। तो स्टंप की लंबाई या ऊंचाई कितनी होती है 28 इंच यानी 71.1 सेंटीमीटर। प्रत्येक स्टंप का व्यास जो है 3.43 से 3.81 सेंटीमीटर होता है। जूनियर वर्ग हेतु स्टंप की लंबाई या ऊंचाई 27 इंच यानी 68.58 सेंटीमीटर। जूनियर वर्ग हेतु स्टंप की जो व्यास होती है वो 3.18 से 3.49 सेंटीमीटर होती है। और गिल्लियाँ, स्टंप पर जो 2 गिल्लियाँ होती हैं उनकी लंबाई जो है 11.1 सेंटीमीटर होती है, और गिल्लियों की मोटाई जो होती है 1.3 सेंटीमीटर, मतलब बहुत पतला होता है, तो मोटाई जो होती है 1.3 सेंटीमीटर। क्रिकेट के पिच, क्रिकेट की पिच की लंबाई 22 गज यानी 20.12 मीटर अर्थात 66 से 74 फीट होता है। क्रिकेट के पिच की चौड़ाई जो है 10 फुट होता है। 10 फुट का मतलब 10 × 30, 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर। ठीक, अगर मीटर में पूछ देगा कि क्रिकेट की पिच की चौड़ाई कितनी होती है तो 10 फुट अर्थात 3 मीटर। ठीक, बॉलिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8 फुट 8 इंच होता है यानी 2.64 मीटर। दोस्तों यहाँ आपको यदि
एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, एक इंच में कितना होता है, ये मालूम है तो आपको फुट या मीटर दो में से एक भी याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे आपको मालूम रहेगा कि बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8 फुट 8 इंच है, तो एक फुट में कितना होता है इतना अगर जानते रहेंगे तो मीटर में आप अपने आप समझ जाएंगे। तो बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है 8 फुट 8 इंच यानी 2.64 मीटर। बॉलिंग क्रीज की चौड़ाई जो होती है 4 फुट 1.22 मीटर। पॉपिंग क्रीज की लंबाई 6 फुट यानी 1.83 मीटर, चौड़ाई 4 फुट 1.22 मीटर। बैटिंग क्रीज लंबाई 6 फुट 1.83 मीटर, चौड़ाई 4 फुट यानी 1.22 मीटर। दोस्तों पॉपिंग क्रीज और बैटिंग क्रीज दोनों की लंबाई और चौड़ाई सेम है, ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। रिटर्निंग क्रीज की चौड़ाई जो है वो 8 फुट 8 इंच है यानी 2.64 मीटर, और लंबाई जो होता है रिटर्निंग क्रीज का अंतहीन होती है, अंत होता है। ओवर, एक ओवर में 6 बॉल होता है, मतलब एक ओवर 6 बॉल का होता है। इनिंग्स अर्थात पारी, इसमें दो इनिंग, एक या दो इनिंग होते हैं। रन में 1, 2, 3, 4 अथवा 6 रन होता है। निर्णायक अधिकारियों में 2 अंपायर होते हैं और दोनों अंपायर पिच के दोनों तरफ मैच शुरू होने से पूर्व खड़े हो जाते हैं। प्रत्येक ओवर के बाद एक दूसरे के सहायक भूमिका में आ जाते हैं, किंतु वे अपना साइड तभी बदलते हैं जब मैच की एक पारी समाप्त हो जाती है। थर्ड अंपायर, यानी आजकल क्रिकेट में थर्ड अंपायर भी नियुक्त किए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य जो होता है वो फील्ड एम्पायरों का सहयोग करना होता है। आवश्यकता पड़ने पर ही फील्ड एम्पायर थर्ड अंपायर से सहयोग लेते हैं। और एक रिजर्व अंपायर होता है, एक मैच रेफरी होता है और 2 स्कोरर होते हैं। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या, प्रत्येक टीम में 11 खेलने वाले होते हैं तथा 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्रिकेट ग्राउंड का मेजरमेंट। आगे भी मैं ऐसे ही सभी गेम के मेजरमेंट्स के बारे में फुल डिटेल में बात करूंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।